हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल नूतन जाज ब्लॉग्स एंड किचन। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। तो आज मैं बना रही हूँ लाल कद्दू की सब्ज़ी, जिसे कोंहड़ा भी बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया आधा किलो पके हुए जो लाल कद्दू होते हैं यानी कोंहड़ा, वो आधा किलो लिया है, और 15-20 कलियाँ लहसुन की ली है, और थोड़ी सी इमली ली है, एक टमाटर लिया है पके हुए, और धनिया की पत्ती है। तो देखिए, मैंने इसे काट लिया है बड़े बड़े टुकड़ों में, लगभग 1.5 इंच टुकड़ों में है, मोटे मोटे टुकड़ों में काटना है, देख सकते हैं आप। इसके लिए 2 प्याज लिया है, इसे भी मैं बारीक बारीक काट लूँगी। लहसुन को छील कर रख लिया है, 4 हरी मिर्ची ली है, और एक टुकड़ा अदरक का लिया है, और वो इमली है। तो इमली तो मैं लास्ट में डालूँगी, और धनिया पत्ती को भी काट लिया है, प्याज को भी लंबे लंबे स्लाइस में काट लिया पतले पतले। और देखिए, इसमें मसाले जो पड़ेंगे वो बता रही हूँ। ये है तड़के के लिए 1/2 छोटे चम्मच जीरा, 1/2 छोटे चम्मच मेथी, और हींग, ये बहुत ही अर्जेंट है, और 2 तेज़पत्ता है, और 2 सूखी लाल मिर्च है। इतने चीज़ों से मैं तड़का लगाऊंगी, और बाकी जो मसाले हैं, काली मिर्च है 5-6, और 1 छोटे चम्मच धनिया, 1 छोटे चम्मच जीरा। तो इन सबको मैं पीसूंगी, लहसुन के साथ ही पीस लूंगी, बस तड़के वाला सामान छोड़कर। दो, चलिए अब इसको बनाना शुरू करेंगे। और ये 1.5 छोटे चम्मच सरसों है, ये काली पीली मिक्स थी हमारे पास, आपके पास जो भी है आप उसे ही डालें, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये नहीं डालना वो नहीं डालना है। तो अब मैं इसको धो लूँगी। तो मैं इसे दिखा रही थी आपको, लहसुन, मिर्ची, अदरक, इन सबको मैं पीसूंगी फ्रेंड्स। तो ये शायद फ्रेंड्स, सॉरी, ये रिपीट हो गया, तो आप इसे स्किप करके देख सकते हैं। तो ये सूखी लाल मिर्च है 2, उसके भी तड़के लगाऊंगी, तेज़पत्ता, जीरा, मेथी, हींग, और सूखी लाल मिर्च के मैं तड़के लगाऊंगी। और आप जो ये हरी मिर्च है उसके जगह आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, तो मैं लाल मिर्च के जगह पर वो थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी, 1/2 छोटे चम्मच। तो जब मैं सारे मसाले पीसूंगी उसी में डाल लूंगी एक साथ ही। तो चलिए, किचन में आ गए, तो कढ़ाई रख दिया, उसमें 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है, सरसों का तेल। तो देखिए, ये जो मसाले हैं अब मैं इसको पीस लूंगी, सारे मसालों को पीसूंगी मिक्सी में, और सरसों मैं अभी नहीं पीसूंगी, वो मैं अलग पीसूंगी, क्योंकि सरसों अगर साथ में पीस दूंगी तो वो मसाला भूनते भूनते हुए उसमें कड़वापन आ जाता है, तो इसलिए उसे बाद में पीसूंगी और बाद में डालूंगी भी। तो देखिए, मसालों को मैंने इसमें डाल दिया है, सरसों नहीं डाला है, और जैसा बताया था कि कश्मीरी लाल मिर्च भी डालूंगी, तो मैंने डाल दिया है, तो इसको मैं पीस लेती हूँ बारीक। सरसों को अलग रख लिया है, उसे बाद में पीसूंगी। तो देखिए, हमारे मसाले पीस गए हैं। तो कढ़ाई तेल गर्म हो गया हमारा, तो मैं हींग डाल देती हूँ। हींग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो होती है सब्ज़ी
कोहड़े की, वो भारी होती है थोड़ी पेट के लिए। ये जीरा और मेथी और सूखी लाल मिर्च डाल दिया और तेज़पत्ता भी डाल दूँगी। तेज़पत्ता भी डाल दिया था ऑलरेडी। देखिए प्याज को मैंने कुछ इस तरह से काटा है चौकोर टुकड़ों में छोटे छोटे, और इसे मतलब बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है प्याज को, हल्का सा ही भुनना है, क्योंकि जो मैं इसमें कोहड़ा डालूँगी बाद में, कुंबड़ा या लाल कद्दू जो भी बोलते हैं, तो उसके साथ प्याज हमारी भुन जाएगी। देखिए वो मसाले को मैं निकाल ली हूँ दूसरे बर्तन में, और अब ये सरसों पीस लेती हूँ जितना पानी लगेगा उतना डालकर, ताकि फाइन पेस्ट बन जाए। वो देखिए हमारी सरसों पीस गई है, लेकिन ये थोड़ी दरदरी है, इसे मैं और पीसूंगी एक बार अच्छे से चम्मच से मिलाकर। थोड़ा और पानी डाल दिया क्योंकि और इसमें पानी लगना था। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, तो वो मतलब आधा भूना उसको प्याज को, हल्का सा कलर चेंज होने तक। उसके बाद जो मसाले मैंने पीस कर रखे थे लहसुन वाली, वो डाल दिया। इसी टाइम पे दो छोटे चम्मच हल्दी डाल दूँगी। हल्दी थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लगेगी, क्योंकि जब मैं इसमें इमली डालूँगी तो इसका कलर थोड़ा सा फेड हो जाएगा, तो इसलिए हल्दी दो चम्मच डाली हूँ। अब टमाटर डाल दी, और इसी टाइम पे मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल दूँगी, ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मैंने लगभग डेढ़ छोटे चम्मच नमक डाल दिया है। तो देखिए ये करीब करीब भुन गया, आपको दिख रहा होगा कि ये एकदम गल गया है टमाटर, लगभग ये अच्छे से भुन गया। तो इस टाइम पे ही मैं अब सरसों डालूँगी, क्योंकि 80% हमारा मसाला भुना है अभी, 20% मैं सरसों के साथ पकाऊँगी इसको। पहले बताया था कि सरसों ज़्यादा भुनने से वो कड़वी हो जाती है उसके टेस्ट। तो देखिए ये मसाला तेल छोड़ दिया, तो अब मैं सरसों डाल दूँगी इसमें। ये मैंने सरसों का जो पेस्ट था वो डाल दिया, बाकी तो सारे मसाले डाल ही दिए हैं। और इमली इस टाइम मैं नहीं डालूँगी, इमली मैं बाद में डालूँगी जब ये हमारे अच्छे से पक जाएंगे। अगर इस टाइम पे आप इमली डाल देंगे तो ये पकने में थोड़ा समय लग जाएगा, दिक्कत होगी पकने में, क्योंकि खट्टा से पता नहीं क्या होता है, नहीं मालूम। लेकिन अगर पहले से आप खट्टा ही डाल देते हो तो सब्ज़ी लेट से पकती है, चाहे वो कोई भी सब्ज़ी हो। तो इसे मैं अच्छे से भूनूंगी। इसमें मैंने जो लगा हुआ था बर्तन में, उसे मैं जब ग्रेवी डालूंगी पानी तभी डाल दूंगी। इमली भी उसी टाइम डालूंगी, और धनिया पत्ती भी बाद में डालूंगी उतारने के समय। तो देखिए क्योंकि चूँकि ये भुन गया है हमारा, ये देख सकते होंगे लगभग गल गया है, तो थोड़ा सा और ढक ढक कर मैं इसे और थोड़ी देर भूनूंगी। लगभग 10-15 मिनट लग जाते हैं फ्रेंड्स, और ये तेजपत्ता का काम ख़त्म हो गया जैसा मैं हमेशा वीडियो में बताती हूँ। तो मैं उसको निकाल कर बाहर फेंक दी, क्योंकि उसका फ्लेवर जो जाना था वो सब्ज़ी में ऑलरेडी चल जा चुका है। देखिए अब ये हमारा जो ये है कद्दू है वो भून चुकी है। तो इस टाइम पे मैं चूँकि खट्टी मीठी
और तीखी बना रही हूँ सब्ज़ी, तो इस टाइम पे मैं एक चम्मच भर के चीनी डाल दिया और इमली भी डाल दी, क्योंकि सब्ज़ी तो गल चुकी है हमारी, तो इसके जो रस होंगे मतलब ग्रेवी उसमें अच्छे से खट्टापन चला जाएगा और सब्ज़ी में भी इसका टेस्ट चला जाएगा इमली का। तो इसी टाइम पे मैं डाल दी, अब पानी डाल दी हूँ, तो अब जितना पानी लगेगा लगभग 1.5 गिलास के करीब मैंने पानी डाला है, क्योंकि हमें इसे चावल के साथ खाना है हम लोगों को। मैं चावल बनाऊँगी, ये सब्ज़ी चावल के साथ बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा खाकर आप लोगों को। खट्टी मीठी तीखी सब्ज़ी है ये, बहुत टेस्टी लगती है। और फ्रेंड्स बहुत लोग गरम मसाला भी डालते हैं, लेकिन मैं सरसों वाली कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसमें गरम मसाला नहीं डालती हूँ, क्योंकि सरसों वाली सब्ज़ी में मेरा ऐसा मानना है कि गरम मसाला डालने से उसका टेस्ट ही अलग, मतलब अजीब सा टेस्ट हो जाएगा। प्याज वाली सब्ज़ी में आप ज़्यादा गरम मसाला डाल सकते हैं, सरसों वाली सब्ज़ी में उतना ना डाल। देखिए सब्ज़ी हमारी हो चुकी है, तो अब मैंने इसमें धनिया पत्ता डाल दिया, मुझे इतना ही पकाना था। थोड़ी थोड़ी ग्रेवी है, और अगर आपको रोटी के साथ खाना है तो थोड़ा और सुखा दें बस। तो फ्रेंड्स ये लगभग बनकर तैयार हो गई, देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। तो आ जाइए फ्रेंड्स आप लोग खाने के लिए, ये मैं दोपहर के लिए बना रही हूँ फ्रेंड्स, मैं चावल के साथ खाऊंगी। तो फ्रेंड्स आ जाइए और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। इसके साथ ही वीडियो का करती हूँ द एंड, बाय बाय।